नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे ये लोगो ओपनिंग और लोगो ऊपर जाके लगता है, साथ में लोकेशन और उसके साथ में नीचे नाम और क्या है वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो वीएन ऐप हम ओपन कर लेंगे। वीएन ऐप के अंदर जो भी आपको जिस वीडियो को एडिट करना है वो वीडियो ले लीजिए और उसके ऊपर हम टोटल एडिट करके दिखाएंगे। तो ये मैंने एक वीडियो ले लिया जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हैं और वो बीच में बाइट दे रहे हैं, तो इनके ऊपर हमें शॉर्ट्स बनाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसका फ्रेम जो रेशियो है उसको चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 9:16 का फ्रेम रेशियो लगा दिया और उनको एडजस्ट कर दिया, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर शॉर्ट्स में आ जाए, जो हमारे जो 9:16 का फ्रेम है उसमें आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे अपना लोगो। लोगो मैंने पहले ही शॉर्ट्स लिख दिया हुआ है, जैसे कि ANI शॉर्ट्स लिखा हुआ था वैसे ही UN शॉर्ट्स लिख दिया और उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं फेस से थोड़ा नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये ट्रेवल करके ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे की फ्रेम करके, फिर मतलब दो बार की फ्रेम लगाएंगे, जैसे पहले और दूसरे की, मतलब वहाँ पे स्टेबल कुछ देर के लिए हो, और तीसरा जो मतलब आपको ये दूसरे सेकंड में ऊपर जाना चाहिए, जैसे एक सेकंड के रुके और दूसरे सेकंड में ऊपर चला जाए और ऊपर जाने के बाद थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। तो पहला की फ्रेम होल्ड के लिए है, दूसरा मतलब वहाँ पे रुके और तीसरे में देखिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ करना है, पहले मतलब की फ्रेम लगाना है तीनों बार, और पहली बार में होल्ड करना, दूसरी बार में उसको स्वैप करके ऊपर ले जाना है, और ऊपर ले जाने के बाद वहाँ पे छोटा कर देना है, तो ये ऊपर जाते जाते छोटा होते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक हो गया जो हमारा लोगो है। देखिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ से किया ओपन और ऊपर कर ले चला गया। फिर उसके बाद जो दूसरा फिर से एक ऐड करना है हमारा लोकेशन। लोकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक गूगल से जो है हम PNG डाउनलोड किए थे, GIF डाउनलोड किए थे कि वो यहाँ पे वर्क करेगा, लेकिन GIF वर्क नहीं किया, लाइक वो जंप कर रहा था, जंप नहीं वर्क किया। तो वो मतलब ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे क्रोमाकी कर लेंगे और देखिए बीच का जो रेड है वो नहीं आ रहा था, जिससे मतलब जैसे उसके साइड में कर रहे थे वैसे वो जो लोकेशन का सिंबल है वो वाइट हो रहा था। तो नीचे का जो स्पिल है स्पिल को एकदम सबसे कम कर देंगे और कम करने के बाद उसको फुल जितनी वीडियो है वहाँ तक ले चले जाएंगे। तो जैसे ही ये हमारी मतलब जहाँ तक शॉर्ट्स हमारा जो हमारा लोगो है जब भी ऊपर चला जाता है तब वहाँ से इस लोकेशन को रखेंगे, ठीक है। तो लोकेशन के बाद को लाके वहाँ तक कट कर देंगे। अभी देखिए ये हमारा ऊपर चला गया है, ऊपर जाने के बाद जो है इसको ले जाके यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं जहाँ पे लोकेशन रखना वहाँ पे, ठीक है। तो लोकेशन रखने तक यहाँ पे हम सेट करने के बाद उसको यहाँ पे कट कर देंगे, जैसे कि जो हमारा लोगो है ट्रेवल करके ख़त्म हो, फिर उसके साथ में लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे लोकेशन का ये सिंबल आ गया और सिंबल के साथ में हमें वहाँ पे नाम भी तो चाहिए कि कौन सा लोकेशन है, तो यहाँ जैसे ये जैसे आया लोकेशन आने के साथ में यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट लेके वहाँ पे लोकेशन का नाम भी लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ से हम टेक्स्ट को ले लेंगे, टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट डालना हो। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट का वो ले लेते हैं, जो लाइन है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट का मैंने ये ले लिया, फिर यहाँ पे जो है डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाराणसी, क्योंकि ये वाराणसी का फीड है। तो मतलब जैसे मैं वाराणसी से का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे वाराणसी लिख देता हूँ, आप जहाँ की भी वो न्यूज़ जहाँ की हो वहाँ का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उठा के जो है इसको आप ऊपर जहाँ पे लोकेशन का सिंबल आपने लगाया वहीं पे इसको भी लगा लीजिए, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको पहले एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये एडजस्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा इसका जो भी है उसको थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसा कर दीजिए, शैडो वैडो लगाना हो लगा दीजिए, और इस तरह से ये सेव कर सकते हैं। मतलब ये जैसे जो शॉर्ट्स आते हैं थोड़ा सा मतलब अच्छे लगते हैं तो सही लगता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर से हम टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट लेने के बाद जो है यहाँ से एक नॉर्मल सा टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसको भी हम राइट कर लेते हैं, जो हम पुलिस ऑफिसर जो हैं उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये विक्रांत वीर जी हैं, विक्रांत वीर हमने लिख दिया। और लिखने के बाद ये जैसे नीचे जैसे मतलब ANI में आ रहा था वैसे ही ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको फिर मोशन दे देंगे और बैकग्राउंड दे देंगे, जिससे कि मतलब थोड़ा सा खुल के दिखे, जैसे ANI में मतलब बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड के साथ आ रहा है और बैकग्राउंड के साथ जा रहा है, वैसा हम कुछ बना लेते हैं,
ठीक है, तो अभी हम इसमें जाएंगे और फिर उसके बाद बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया मैंने, और साथ में ही ये रहा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो इतना ही आ रहा था, तो उसके बाद हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जो डैश देके और स्पेस देके वो भी कर सकते हैं। और इसको जैसे अगर आपको आपके पीछे का जो बैकग्राउंड के पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखाना ज़रूरी है, तो आप यहाँ से कैपेसिटी उसका कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। और उसके साथ में इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा लंबा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक छोटा सा डैश देके फिर उसके बाद वो स्पेस दे देता हूँ, आगे भी थोड़ा स्पेस देके डैश दे दूँगा, जिससे कि ये थोड़ा सा लंबा दिख जाए। और इसके पीछे जो डैश है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब उसको जो है बीच में कर देंगे, सेंटर में कर देंगे, और फिर उसके बाद एक और जो उसके नीचे देना रहता है वैसे फिर से दे देंगे टेक्स्ट देके, और सेम वही जो फॉन्ट है लाइन वाला लाइन ले लेंगे। और फिर उसके बाद जो इनका क्या डिजिग्नेशन है, या फिर ये कौन है, या फिर ये किस चीज़ के लिए न्यूज है, ये दोनों ही चीज़ें आप दे सकते हैं, जो भी चाहे वहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं इनका डिजिग्नेशन जो भी यहाँ का है उस चीज़ दे देता हूँ मैं। तो ये जो है ये वाराणसी में DCP ट्रैफिक और प्रोटोकॉल है, तो DCP ट्रैफिक एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरह से इसको दे दिया हमने। और ये देने के बाद जो है इसका भी बैकग्राउंड जो है हम कर लेते हैं ऑन, और इसका बैकग्राउंड हमने कर लिया चेंज। पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, फिर बैकग्राउंड चेंज, मतलब आप इसको सजा सकते हैं चाहे जैसे भी आपको जैसे लगे कि आपको क्या बैकग्राउंड चाहिए, क्या कितना फॉन्ट चाहिए, कैसा फॉन्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें, तो आप वो सारी चीज़ें सेट करके उसको रख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ही जैसे ऊपर डैश हमने देखे थोड़ा सा बैकग्राउंड को लंबा किया था, वैसे इसको भी थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, स्पेस 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 और फिर डैश, और वैसे ही आगे करके आगे भी स्पेस स्पेस करके एकदम लास्ट में ले आके फिर डैश दे देंगे, जिससे कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डैश, पता चलता नहीं उतना। और फिर उसके बाद अब इसमें जो है हमें मोशन देना है, लाइक ये लेफ्ट से आए, राइट से आए, ऊपर से आए, मतलब वो आपके हिसाब से है कि आप कैसा करना चाहते हैं, वहीं पे ओपन हो या फिर लेफ्ट राइट से आए वैसा। और थोड़ा सा इसको दूर रखेंगे, जो कि पीछे की भी चीज़ें थोड़ा सा मतलब समझ में आए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं सेट, और फिर दे देंगे मोशन। मोशन में जाने के बाद आप आगे देखेंगे, जैसे मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट है, तो इस तरह से मतलब कोई लेफ्ट से आए कोई राइट से आए वैसे आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये लेफ्ट से आना और फिर वैसे ही आउट को भी राइट को जाना, राइट से आना राइट को जाना, और दूसरे को लेफ्ट से आना लेफ्ट राइट जाना, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये एक साथ में आ रहा है, और चाहिए इसको रखना है तो इसको रख लीजिए, तो नहीं तो फिर मतलब ये एक राइट से है एक लेफ्ट से है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कुछ रख लेते हैं। और वैसे ही आउट को भी वैसे ही कर लेते हैं कि मतलब अदर साइड ये ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट्स को एडिट कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरा लोगो आया, लोगो आने के बाद ये ऊपर चला गया, और फिर उसके बाद लोकेशन आ गया, फिर उसके साथ में उनका नाम और डिजिग्नेशन आ गया, और उसके साथ में उनका जो भी उनका भाषण है या फिर जो भी उनका बाइट है वो चल जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि मतलब थोड़ी देर तक आदमी पढ़ सके, उतना करके आप सेट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये आउट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो ये जैसे मतलब मैंने ये न्यूज़ के लिए बताया है, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका नाम आपके नाम के साथ में ये वीडियो किस चीज़ के लिए है, साथ में ही आप अपना लोगो आप नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि सारे लोग जो भी यूट्यूब का चैनल बनाते हैं वो अपना लोगो तो लगाते ही हैं, तो इस तरह से आप उसको सेट करके और लगा सकते हैं। साथ में ही अगर आप लोकेशन को जो है ऊपर लोकेशन जो है उसको भी चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा उसमें मोशन देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करके, और ये जैसे फ्लोटिंग है फ्लोटिंग पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है,
ये थोड़ा सा ड्यूरेशन सेट कर लीजिए, जिससे मतलब कितना कितना फास्ट फ्लोटिंग होता होना चाहिए उसका, उसके हिसाब से मतलब थोड़ा सा लोकेशन वो हिलता रहेगा तो वो नज़र में आता है कि कहाँ की वीडियो है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा फ्लोटिंग दे सकते हैं। जैसे मतलब हर जगह जैसे वो लोकेशन का सिंबल हिलता रहता है, तो इसमें जैसे अगर आपके वीएन में नहीं हिल रहा है या फिर वो आप वीडियो नहीं डालना चाहते, क्योंकि वीडियो का लेयर जो होता है वो जितना लंबा रहेगा उतनी ही वीडियो हैवी होगी, फिर उसके बाद उसको रेंडर करने में टाइम लगता है, तो कोशिश करते हैं कि इमेज को ही यूज़ किया जाए और इमेज को ही मतलब अगर आप चाहें तो उसको उसमें एनिमेशन डाल के उसमें थोड़ा सा मोशन डाल के फ्लोटिंग करा सकते हैं, जिससे कि वो हिलता रहे। ठीक है, देखिए ये जैसे ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये फ्लोटिंग हो रहा, तो इस तरह से आप फ्लोटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आपने आगे का किया, जैसे मतलब ये एक मिनट का हमारा शॉर्ट है, ठीक है, तो जैसे आपने आगे किया वैसे ही पीछे का भी करना है, तो मतलब लास्ट में जो फर्स्ट में और एंड में, तो एंड में आने के बाद जो है हम कुछ डेढ़ सेकेंड पहले का कर लेते हैं, जैसे मतलब 2 सेकेंड का वो है तो 1.5 सेकेंड पहले का कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले जो है यहाँ पर एक की फ्रेम डाल देंगे, जिससे कि जहाँ मतलब स्टार्ट से जहाँ पे था वहाँ पे तक अब तक रहे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेम रेट है जो कि वापस नीचे लाने के लिए सेकेंड फ्रेम रेट वहाँ पे देखे वहाँ पे लेके आ जाएंगे, और लास्ट में जो है इसको आउट करा देंगे जिससे कि वो निकल जाए, ठीक है। तो अभी देखिए अभी मतलब कैसे रहेगा, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। प्ले किया हमने, ये नीचे आया और राइट में चला गया, लेकिन ये थोड़ा सा और बड़ा चाहिए मतलब थोड़ी लेट में जाए, ये बहुत जल्दी चला गया है। तो एक बार फिर से पीछे आते हैं और ये बहुत ही फास्ट हो गया, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा इसको ये सारे की फ्रेम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसको क्या करते हैं मतलब करीब 1.5 सेकेंड के अलावा हम 2 सेकेंड के आसपास कर लेते हैं कि 2 सेकेंड या फिर 2.5 सेकेंड में, जिसमें मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया ना, तो एक काम करते हैं 57 पे जाके एक की फ्रेम लगा लेते हैं, जैसे कि मतलब जो स्टार्ट से जहाँ पे हमने रोके थे वहाँ पे तक रुका रहे, और फिर वो रुकने के बाद जो अगला की फ्रेम होगा वो उसके बाद होगा, तो उसके बाद हम कुछ यहाँ पे जिसे 57 से 58.5 तक लेके आ जाते हैं कि वहाँ तक आते रहते हैं नीचे आ, और नीचे आने के बाद हम उसको बड़ा कर देते हैं कि मतलब ऊपर से छोटे से बड़ा होते हुए नीचे आ जाए, जैसे बड़े से छोटा होते हुए ऊपर गया तो ऊपर से बड़ा होते हुए नीचे आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आने के बाद जो है उसको बाहर कर देंगे। तो अभी देखिए अभी इसका जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, और इसको चाहिए तो आप थोड़ा मोड़ा मतलब करो कर सकते हैं उसको मतलब निकलने और करने के लिए, फिर उसके बाद आप यहाँ से देखिए ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही हमारी सेट हो गई, इस तरह से आप भी सेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल पे आप देखेंगे तो आपको ढेर सारी ऐसी वीडियोस दिख जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम दूसरी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।